बहुत बहुत नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर काउच विद शुभांकर भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे वोकेशनल स्टडीज पर। वोकेशनल स्टडीज एक्चुअली है क्या? वोकेशनल स्टडीज यानी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा यानी आपकी जो प्राथमिक शिक्षा रही उसमें हम व्यावसायिकता कितनी डाल सके, यानी प्रैक्टिस, यानी अप्रेंटिसशिप, यानी इंटर्नशिप। जी हाँ, इन हैंड जॉब एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं। क्या होता है ये इन हैंड जॉब एक्सपीरियंस? डॉक्टरी तो पढ़ ली, अब ऑपरेट कैसे करना है? इंजीनियरिंग कर ली, अब पेचकस कैसे चलाना है? कुछ इसी तरीके की बातें। लेकिन क्या ये बातें आफ्टर एजुकेशन होनी चाहिए? जी नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ बड़े तब्दीलियां की गई। इन बड़ी तब्दीलियों में रहा कि 6 to 8 में नो बैग्स डे भी किया गया। नो बैग्स डे का मतलब है कि कुछ ऐसे दिन जिसमें आपके बच्चों को अपने हाथ से करने वाले कामों को सिखाया जा सके। बहुत बड़ा स्टेप है ये, और आगे आने वाले समय में ये वोकेशनल स्टडीज का वो पैरामाउंट एक फ्रेमवर्क बैठाएगा जिसके तहत आगे आने वाले जो जॉब सर्चेस हैं, जो नौकरियां जो हैं, उसको मिलना बहुत आसानी हो जाएगी। तो वैकल्पिक शिक्षा ने वाकई हमारे लिए कई विकल्प खोल दिए। जब इन हैंड जॉब एक्सपीरियंस की बात आई तो लोगों ने समझा कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप का रोल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो मीडिया की बात हो, मास्कॉम की बात हो, फाइन आर्ट्स की बात हो, एडेप्टिव स्किल्स की बात हो, सॉफ्ट स्किल्स की बात हो। बात जब हम सॉफ्ट स्किल्स की करते हैं तो आज के दिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना, GD फेस करना, एक इंटरव्यू पैनल को फेस करना, उसका एटिकेट, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल सिखाती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ वोकेशनल स्टडीज को और स्किल डेवलपमेंट को एक साथ लेकर डिस्कस करते हैं श्री प्रतीक हीरा जी के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री प्रतीक हीरा। श्री प्रतीक हीरा IATU के स्टेट चेयरमैन हैं, साथ ही में ये फिक्की के टूरिज्म बॉडी के भी स्टेट चेयरमैन है। और इसी के साथ मुझे बहुत खुशी होता है बताने को कि ये स्टीयरिंग कमेटी फॉर वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट उसके सदस्य भी हैं। प्रतीक हीरा जी से शायद ही कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर पूरे ध्यान को केंद्रित कर सके, और ये आज आपको बताएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा आगे आने वाले समय में कितना ज़्यादा अनिवार्य होने वाला है। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें करियर काउच पे बुलाने के लिए। प्रतीक जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका मेन हम क्या चाहते हैं? इस स्टीयरिंग कमेटी से हम क्या उद्देश्य हम पाना चाह रहे हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे देश की प्रॉब्लम रही है, और उसी तरह से हमारे प्रदेश की भी प्रॉब्लम रही है, और हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, और उनका एक ये विज़न है कि हम एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जनरेट करें और लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। उसी के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने 2016 के आसपास, अगर हम सही हैं तो, उन्होंने एक नेशनल स्कीम निकाली थी अप्रेंटिसशिप की। उसी ही कड़ी में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये विज़न था कि हम उसी को इजाफा करते हुए उन्होंने 2020 में एक उसी में एडिशन करा जिसमें एक स्टीयरिंग कमिटी का गठन हुआ, और उसका उद्देश्य यही था कि हम अप्रेंटिसशिप जो है, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स जो हैं, वो हमारे जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ITI में, पॉलिटेक्निक्स में पढ़ रहे हैं, उनको हम किस तरह से ऐसा एम्प्लॉयबिलिटी बर्थ बना दें कि इंडस्ट्रीज़ उसको पिकअप कर सकें। और ये एक ब्रिज बनाने का जो पहल है वो ये कमिटी करेगी बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो दोनों एक ब्रिज का काम करेगी, और जो इंडस्ट्री को जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो उनको देगी। प्लस इंडस्ट्री को ये भी झिझक नहीं होगी कि उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग उस बच्चे को नहीं है, या उसको जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं उनको इमीडिएटली काम के लिए वो नहीं है, उसकी एक झिझक इंडस्ट्री से ख़त्म हो जाएगी।
ये बात आपने प्रतीक जी बहुत अच्छी बात कही कि जो इंडस्ट्री और एक जो ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप का एक जो साझा एक कार्यक्रम जो सजाने की जो कोशिश जो उत्तर प्रदेश सरकार की है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब हम वोकेशनल स्टडीज़ की बात करते हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज को हम टारगेट करते हैं, आखिर कैसे करके आपको लगता है कि बच्चों में वो चीज़ पता चले कि भाई उन्हें कौन से स्किल सेट्स आने चाहिए, उन्हें वो कौन से दिशा में जाना चाहिए। जैसे सोचिए कि किसी को अगर इंजीनियरिंग है तब तो छठे से आठवीं तक के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आगे चल के ये वाकई ये कुछ और कारगर हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो इंट्रोड्यूस हुई है उसमें आई है, जहाँ पर हम एक इंट्रोडक्टरी लेवल स्किल सेट्स का वोकेशन का एक बच्चे को हम बता दे रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम बच्चे को बता रहे हैं कोई स्किल सेट्स तो वो सिर्फ उसके वोकेशन के लिए हम बता रहे हों, ये ज़रूरी कतई नहीं है, पर कम से कम वो बच्चा अवगत हो जा रहा है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आगे उसके लिए खुलने वाली हैं और वो डिसाइड कर सकता है कि हमें फर्नीचर डिज़ाइन में जाना है और उससे कई सारी सिर्फ ये क्राफ्ट कोर्सेज ही नहीं है, पर वो डिसाइड कर सकता है क्या हमें इंजीनियर बनना है, क्या हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, क्या हमें, और अगर वो इन चीज़ों में नहीं भी जाना चाहता है तब भी ये एक लाइफ सेट्स भी हैं जो हमें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेसिक्स जो आने चाहिए। और हमें ये याद है कि हमारे बचपन में हमारे स्कूल में हमको कारपेंट्री का काम सिखाया गया या हमें इस तरह के इलेक्ट्रिकल चीज़ों का काम सिखाया गया, वो सिर्फ आज हमारे लिए एक लाइफ सेट की तरह से वो काम आ रहा है और एक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, भले ही हम उस वोकेशन में न गए हों। पर ये तो एक बहुत अच्छी पहल है जो NEP ने में करी गई है कि जहाँ बच्चों को हम पहले से उस चीज़ का एक हम समझिए एक नमूना दिए दे रहे हैं। जी जी प्रतीक जी, एक बहुत अहम सवाल उठता है, बात यह है कि जैसे कि कई इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप तो टूरिज्म ट्रेड से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, तो टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री इस समय टोटली डाउन जा रहा है, चलिए कोरोना की वजह से है कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं लगता कि जब एक पूरी इंडस्ट्री नीचे चली जाती है तो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुआ जो पूरा जो एक फ्यूचर है, एक जो करियर है, वो भी कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा? देखिए, इसको ये दो तरीके हैं देखने के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंटिमेंट्स बड़े डाउन हैं इंडस्ट्री के, तो जितने डाउन हैं वो है ही हैं, पर उससे ज़्यादा जो हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं टूरिज़्म में, वो सबसे ज़्यादा आहत हैं क्योंकि उनको अपना फ्यूचर जो है वो काफ़ी डार्क में दिख रहा है। पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको पॉजिटिव और एक सकारात्मक ढंग से सोचने की जरूरत है कि ये पीरियड एक ब्रीफ ब्रेक का पीरियड है जिसमें हम अपने स्किल सेट्स बना सकते हैं। आने वाला जो समय है जिसको हम पोस्ट कोविड समय कहेंगे, ये हम सब जानते हैं और ये चीज़ जग जाहिर है कि हम ये वायरस से विजय पाएंगे, कुछ जल्दी देश पा जाएंगे, कुछ देर में पाएंगे, कुछ तमाम परेशानियों से गुजर के पाएंगे, वो एक अलग बात है, पर ये कहना कि ये वायरस हमारे साथ जीवन भर चलेगा ये एक शायद गलत चीज़ है। कई सारी वायरसेस, कई सारी समस्याएं इस तरह की आईं और वो सब पे हमने विजय पाया और हम आज उससे उभर गए। पर ये जो दौर है, ये ब्रेक का जो दौर है, या इसको एक सबैटिकल कहें, फोर्स सबैटिकल कहें, यहाँ पर बच्चों को स्किल सेट्स अपने डेवलप करने की ज़रूरत है। जो आने वाला समय है वो इतना आसान नहीं होगा, जहाँ पर हमें मल्टीटास्किंग स्किल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो प्री कोविड का समय था वहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, एक काम के लिए हमारे पास एक जना होता था। लेकिन प्रतीक जी, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हर एक उद्योग, या मैं स्पेशली अगर आपकी टूरिज्म की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं वो भी सरकारी उदासीनता की कहीं शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट चाहिए था, एक बैक सपोर्ट चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री कम से कम टिकी रहे। बिल्कुल, चलती रहे, उससे कोई दो राय नहीं है उसमें। हम अगर हम इंडस्ट्री की तरफ से बात करें तो शायद वो सपोर्ट होना चाहिए था, पर फिर उसी के साथ अगर हम गवर्नमेंट के साइड में जाके बात करें तो किन किन इंडस्ट्रीज़ को कितना कितना सपोर्ट
दिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और खासकर एक हमारे मुल्क के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा ऑलरेडी परेशानियाँ हैं, तो आज की डेट में तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो रुझान है वो पहले तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे सामने है सेकेंड वेव की या हमारे मेडिकल व्यवस्थाओं को रैम्प अप करने की, यहाँ पर भी पर जो स्किल सेट्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन है, वो भी काम की चीज़ें हैं। इसमें आपको अवसर देखने पड़ेंगे। जो बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि उनके लिए करियर्स नहीं है, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की नहीं बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है जी। आज की डेट में अब वेंटिलेटर्स आपके पास हैं पर वेंटिलेटर चलाने वाले ऑपरेटर्स नहीं हैं। आपके पास मेडिकल स्टाफ के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कंपाउंडर्स की, नर्सिंग स्टाफ की कमी आज आपको आपके सामने आ रही है और ये कमी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है बल्कि अगर कोई बच्चे इस तरह के वोकेशंस चुनते हैं, इस तरह के फील्ड्स में आते हैं, तो एक बहुत बड़ा होराइजन उनके लिए इंटरनेशनली खुल जा रहा है। बहुत सही बात है दोस्तों। जैसे कि प्रतीक हीरा जी ने कहा कि जैसे ही हम यहाँ पे जब मेडिकल और इसकी जब बात करते हैं, तो आज अचानक पोस्ट कोविड और कोविड एरा ने एक नया एक 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 और उद्योग को एक जन्म दिया जो था टर्शरी फील्ड। ये जो टर्शरी यानी जो पैरामेडिक्स के जो फील्ड थे या जो टर्शरी हेल्थ केयर की जब मैं बात हम बात करते हैं, तो उसमें आज के दिन में एक बहुत बड़ा डिमांड है। देखते देखते आज लोग ये समझ रहे हैं कि नर्सिंग अब हर कोई ANM और GNM नहीं कर सकता, हर कोई BSc नर्सिंग नहीं होगा, हर कोई MSc नर्सिंग नहीं होगा, लेकिन नर्सेस की जरूरत अगर मेडिकल फील्ड में देखी जाए तो ये बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती जाएगी। तो प्रतीक हीरा जी, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने हेल्थ केयर की बात आप बीच में लाए, क्या अब वो समय आ चुका है जब हम वो जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जिसको कहते हैं, अब उनको भी हम लेजिटिमेट करने लग जाए, सरकार को एक ऐसा नया रास्ता ढूंढे जहां जो पहले जिसको गांव में झोला छाप डॉक्टर कहते थे, शायद अब उनको भी अब साथ में लेने का वक्त आ चुका है, शायद कहीं उनसे भी अब हमें हाथ मिलाएं, क्योंकि इस समय हमें सर्विस देने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। वैक्सीनेशन की ड्राइव देखें तो ये एक बहुत ह्यूज ड्राइव है हमारे मुल्क के लिए, ये कोई छोटी मोटी ड्राइव नहीं है जहाँ पर आपने एक छोटे से मुल्क को वैक्सीनेट कर दिया। उसमें हमारे वैक्सीनेटर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, एक्सक्लूसिव इस तरह का फील्ड जिसका सिर्फ काम जो है वैक्सीनेशन लगाना और ये मॉनिटर करना कि जिसको हमने वैक्सीन दी है उसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम वैक्सीन देने के बाद तो नहीं हो रही है। अगर हमारे पास इतने पर्याप्त वैक्सीनेटर्स होते तो शायद हम घर घर जाके टीकाकरण कर सकते, जिस तरह से हम लोगों ने पोलियो पे विजय पाई उसी तरह से शायद हम कोविड पे भी विजय पा सकते थे। तो यहाँ पर इस तरह की भी कोई पॉलिसी डिजाइन करने की और भारत सरकार, प्रदेश सरकार उस दिशा में बिल्कुल सोच रही है, क्योंकि वो खुद चाहती है कि हम इस कोरोना की लड़ाई में जल्द से जल्द जो है वो उभर सके। प्रतीक जी, इसी के चलते हमारे एक स्टूडेंट हैं कशिश, ये 10वीं क्लास से हैं और ये पूछ रही हैं कि लो कॉस्ट वोकेशनल प्रोग्राम, इसमें उनका क्या फ्यूचर है, ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जिस पर वो ध्यान केंद्रित कर सकती हैं? हेलो सर, आई एम कशिश शर्मा, आई एम इन क्लास 11 एंड लुकिंग फॉर अ लो कॉस्ट वोकेशनल प्रोग्राम विच कैन मेक ऑल्सो मेक माई फ्यूचर स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा सवाल कशिश ने पूछा है, पर कशिश से हमारा यही कहना होगा कि कोई भी कोर्स करने से पहले आपको कम से कम अपना रुझान भी देखना पड़ेगा। बहुत लोग जो है ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना किस तरफ झुकाव है उसको देखना पड़ेगा और उसी के बाद आप कोर्सेज, तमाम सारे कोर्सेज हैं जो कि इस फील्ड में अवेलेबल हैं, अलग अलग फील्ड्स में अवेलेबल हैं, और आप उसमें से अपने रुझान के मुताबिक कोई भी चुन सकते हैं। सर, एक हमारे छात्र हैं, वो पूछ रहे हैं कि... Hi, my name is Komal Verma. I am graduate and looking for a job. So please let me know a handful of such vocational courses which can help me out. ग्रेजुएशन के बाद तो एक पूरा होराइजन सामने खुल के आ जाता है, पर इसमें इनको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि इनका रुझान किस तरफ है।
ये साइंस की पढ़ाई इन्होंने करी है, बायोलॉजी साइड से हैं ये या फिज़िक्स साइड से हैं, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी है, और उसके ऊपर कभी भी एक वोकेशन का, हमारा मानना ये है वोकेशनल कोर्स जब भी कोई चुने तो वो अपने इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर वो चुने तो उसमें उसको सक्सेस मिलती है। बहुत सारे छोटे क्राफ्ट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एक साल के डिप्लोमा होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद लिए जा सकते हैं, छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे कंट्री में लोग कतराते हैं डिप्लोमा कोर्स लेने से या एक सर्टिफिकेट कोर्स लेने से, पर ये एक बहुत ही अच्छी ब्रिजिंग अपॉर्चुनिटी होती है किसी के भी करियर के लिए, जो आपके स्किल्स को एक बढ़ावा देती है और आपको एक स्किल के लिए तैयार करती है और आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खोलती हैं। तभी हमारा कहना ये है कि स्किल डेवलपमेंट इसी का नाम है बेसिकली, वोकेशनल एजुकेशन इसी का नाम है बेसिकली। तो आप डिग्रीज के फैंसी नामों की तरफ या फैंसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना जाएं, आप अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, वो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर सामने आ सकता है। हेलो, माय नेम इज दिव्यांशी राज एंड आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्लेसमेंट्स? स्किल सेट को किसी एक फ्रेमवर्क में या ब्रैकेट में रखना शायद गलत होगा। आज के दौर में हम एक मल्टी टास्किंग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर किसी भी एम्प्लॉई से हमारा ये अपेक्षा होगी, हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो कई सारे काम जो है वो एक एम्प्लॉयर के लिए कर सके। कॉस्ट कटिंग की भी यहाँ पर बात होती है और यहाँ पर बात ये भी होती है कि आज की डेट में क्योंकि बिजनेसेस के पास पोस्ट कोविड ईरा में इतना ज़्यादा पैसा जो है वो देने के लिए, शायद इतने लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा अव्वल नंबर पर आएंगे जिनके पास, जो मल्टी टास्किंग होंगे, कई सारे काम जो है वो कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप अकाउंट्स में स्पेशलाइज करते हों, पर अगर उसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स आपके पास हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, वीडियो डेवलपमेंट की स्किल्स हैं या इस तरह की बहुत सारी व्लॉगिंग करने की स्किल्स हैं, क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स हैं, तो वो एम्प्लॉई ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, तो अगर दो लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और एक जना जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज जानता है, सोशल मीडिया स्किल्स हैं और हमारी मेन रिक्वायरमेंट एक अकाउंटेंट की है, तो वो अकाउंटेंट जो ये दोनों चीज़ों से इक्विप्ड है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है दैन उस कैंडिडेट के जो सिर्फ अकाउंटेंट का काम जानता है। तो अगर मैं यही कह लूँ कि अभी जैसे मीडिया के लिए जो कोर्सेज हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो उस पर आपकी स्टीयरिंग कमेटी कैसे हेल्प कर सकती है? क्या सरकारी कुछ हमें ऐसा कुछ मिल सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ बढ़ावा मिल सके या वो देख सके कि उनके इंटर्नशिप में कुछ फायदा मिल पा रहा है? स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड के प्रोग्राम हैं और अगर मीडिया हाउसेस सामने आना चाहते हैं तो बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज जो ITIs या पॉलिटेक्निक कंप्यूटर्स में करा रहे हैं या अपने और जो कैमरामैन के कोर्सेज हैं उन सबको जो है वो लेते हुए एक ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मीडिया हाउसेज में जा सकते हैं और अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं और स्टाइपेंड का जो भार है वो सरकार उठा सकती है। अगर हमारे पास पर्याप्त टेक्निकल स्टाफ होगा, कैमरामैन होंगे, एडिटर्स होंगे, तो हम शायद उस चीज को, उस गैप को फिल अप कर सकेंगे। प्रतीक जी, बहुत बहुत सही बात की आपने कि जैसे जैसे इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में जब सरकारी हाथ बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि लॉकडाउन के तहत भी और जब ये कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ चीजें बंद है, तो एटलीस्ट बच्चों में कुछ ना कुछ एक उत्साह जो है वो बना रहता है। लेकिन प्रतीक जी, इसी तरीके से मेडिकल लाइन है, कई ऐसे फील्ड्स हैं जैसे टूरिज्म सेक्टर है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज डाउन है, कोर सेक्टर इस समय डाउन है, टूरिज्म डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रही है, एविएशन, प्रतीक जी आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है जब सरकार इस बात को समझे कि एक रेडीनेस जो इंडस्ट्री दोबारा ताकि उभर सके उसका प्लेटफॉर्म बना रहना चाहिए, इसको लेके थोड़ा सरकार को थोड़ा और ज़्यादा प्रोएक्टिव मेजर्स को लेना जरूरी है?
बिल्कुल, हम पूरा इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से, और सरकार इस चीज़ से अवगत है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। अभी की बात करना, शायद अभी इस मौके पर बात करना जब हम एक सेकंड वेव से गुजर रहे हैं, तो शायद गलत होगा, पर साथ में सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक बहुत ही कारगर तरीके से, एक बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से जो है डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं इंडस्ट्री को रिवाइवल सर्वाइवल के लिए और रिवाइवल के लिए, और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों ही तरफ से इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है। पर इंडस्ट्री हमेशा ये चाहेगी कि उसे मैक्सिमम और सपोर्ट मिले, और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो अगर हम इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बोलें तो हम शायद सरकार से यही बोलेंगे कि शायद हमें और की ज़रूरत है, पर यह कहना गलत होगा कि सरकार जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है या इंडस्ट्री की तरफ नहीं सोच रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इकॉनमी जो है, जो सरकार की भी जो रेवेन्यू है वो भी इंडस्ट्री से चलना है, और सरकार को ये चीज़ भली भांति मालूम है। प्रतीक जी, एक बहुत अहम चीज़ है, मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे अहम रास्ते हैं, अहम फील्ड्स हैं जहाँ पे कि बच्चे वाकई अपना ध्यान, ये मतलब वोकेशनल कोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी हो सकती है। मैं आप ही के बात को थोड़ा घुमा के रख रहा हूँ। देखिए, देखा अक्सर ये गया है कि जो जब हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हम बाकी स्किल सेट्स को डेवलप करना भूल जाते हैं। हमारा ये मानना है और हमारा ये सुझाव भी है कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनकी 2 महीने की छुट्टियां होती हैं या उनके यूनिवर्सिटीज़ बंद होती हैं, या आजकल का जैसा माहौल है कि बहुत सारी जगहों पर छुट्टियां बहुत पहले घोषित कर दी गई हैं, इसमें आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, जिसमें से ऑफकोर्स लैंग्वेज कोर्सेज हैं, आप अपने को फॉरेन लैंग्वेज से इक्विप कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में आप कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग की अभी आपने बात करी, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आप और अपना रुझान कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट एजुकेशन तो एक है ही है, पर ये जो हॉबी कोर्सेज हैं ये काफ़ी हद तक आपके वोकेशन को एक दिशा दे देते हैं और आप बहुत जल्द उस वोकेशन, फिर आप वोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका रुझान किस फील्ड की तरफ है। प्रतीक जी, एक और क्वेश्चन है, इनका पूछना है कि अगर कोई आर्ट साइड का कोई स्टूडेंट है, उन्हें लिखना बहुत पसंद है, राइटर बनना चाहता है इस तरीके से, तो इसमें क्या कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, क्या कुछ ऐसा है जिसमें वो स्क्रिप्ट राइटिंग या इस पर से, तो उस पर कुछ अप्रेंटिसशिप या इसमें क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट देती है? तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस क्रिएटिव राइटिंग पे, मास मीडिया में, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, इस पर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते हैं, और इस तरह के कई सारे मीडिया हाउसेज हैं जो अप्रेंटिसशिप पे लेते हैं, जो हमारे ITI के बच्चे हैं या हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, उनका अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है वो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल के देती है। तो स्टाइपेंड का भी जो भार है वो इंडस्ट्रीज़ पे या हमारे मीडिया हाउसेस पे या जिस भी आप जहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं उन पे नहीं होता है। तो हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम किस तरह से अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें और हम जल्द से जल्द एक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ अब बढ़ सकें और अपने को एम्प्लॉयबल बना सकें। प्रतीक जी, मैं लास्ट में एक चीज़ छोटी सी बात जानना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक पता चला अयोध्या को डेवलपमेंट में, उसमें भी शायद आपकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी मानी जा रही है और आप शायद एक सलाहकार के तौर पर यूपी गवर्नमेंट के अयोध्या के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि रिलीजियस टूरिज़्म, इसके माध्यम पर आपको क्या लगता है, क्या अयोध्या एक बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट बनने वाला है आगे चल के वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए भी, टूरिज्म प्रोग्राम के लिए भी? बिल्कुल, हम समझते हैं अयोध्या कई सालों में एक पहला ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो भारत ने बनाया है इतने बड़े वे से, और एक ये ऐसा डेस्टिनेशन था जो कि नेचुरल हिट था पर उसका तिरस्कार किया गया था, कुछ पॉलिटिकल वजहें थी, कुछ सिचुएशंस इस तरह की थी, पर उसके बाद अगर अयोध्या में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे कुछ प्रॉमिस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो वहाँ पर लोकल यूथ है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके पास आज
कोई भी इस तरह का व्यवसाय नहीं था, पर आज उनके पास पर्यटन से जुड़ने का, बहुत सारे और जो डेवलपमेंट्स अयोध्या में हो रहे हैं, अयोध्या के इर्द गिर्द हो रहे हैं, उससे जुड़ने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे सामने है। और आने वाले 2 साल के अंदर हम अयोध्या को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक नया एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन का एक मॉडल बनाकर सामने शायद ला सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका करियर काउच में शुभंकर भट्टाचार्य पर आने पर। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में एक बार फिर हम आपको स्टूडियो पर देख पाएंगे और हम बार बार आपके पास आते रहेंगे ताकि आप हमारे छात्रों को, हमारे भविष्य को एक नई, एक उजियाला दिखा सकें, एक उनको एक आशा की वो किरण दिखा सकें जिसको देखते हुए वो अपने भविष्य को, उसको और सुधार ला सकें, उसमें और सुधार कर सकें। तो प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड करियर काउच विद शुभंकर भट्टाचार्य। तो कैसा लगा आज का एपिसोड ये बताना मत भूलिएगा, और अपने फीडबैक्स के लिए मत भूलिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कामा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।